नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सोमुस वैली जी के और एक हेल्थ रिलेटेड वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक के बारे में, टेस्ट के बारे में, जिसका नाम है पैप स्मियर टेस्ट और पैप टेस्ट। तो पैप स्मियर क्या होता है और ये टेस्ट क्यों दिया गया है? अगर आपको डॉक्टर ने पैप स्मियर टेस्ट प्रिस्क्राइब किए हैं तो पॉसिबल है कि आप एक ऑब्वियसली वुमन हो, महिला हो, उनके लिए ये टेस्ट प्रिस्क्राइब किया जाता है। और ये बहुत ही कॉमन टेस्ट है, घबराने की बात थोड़ा है, थोड़ा नहीं है, सब कुछ मैं खुल के इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरुआत से एंड तक देखिए, ओके? तो चलिए, पैप स्मियर टेस्ट क्या होता है? पैप स्मियर टेस्ट, जैसे कि ये टर्म है पैप स्मियर, हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो स्मियर का मतलब होता है किसी एक जगह से कुछ चीज को ऐसे उठा लेना, स्पैचुला से कुछ चीज को ऐसे उठा लेना। इसको हम उठाने के बाद स्लाइड जो माइक्रोस्कोपिक स्लाइड होता है, ग्लास स्लाइड, उसके अंदर हम रखते हैं, कलर करते हैं, उसके बाद माइक्रोस्कोप अंदर रखकर उसको हम देखते हैं। और उसमें क्या देखते हैं? कोशिका को देखते हैं, सेल्स को देखते हैं। पैप स्मियर टेस्ट भी एक ऐसी तरीके का माइक्रोस्कोपिक टेस्ट है, एनालिसिस है। और ये क्यों दिया जाता है? सिंपल सा सवाल, अगर एक आंसर एक वर्ड में देना चाहता हूं तो सस्पेक्टेड कैंसर या सस्पेक्टेड ओवेरियन कैंसर, सस्पेक्टेड सर्विकल ट्यूमर और सर्विकल कैंसर के बारे में ही ये टेस्ट दिया जाता है। तो अगर ये सुनने के बाद आप घबरा गए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि पहले ही जब अगर पैप स्मियर दिया गया इसका मतलब नहीं है कि आपको कैंसर है, क्योंकि कैंसर नाम से लोगों को डर है, क्योंकि इसके बारे में समझ लोगों को कम है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो ये महिलाओं को दिया जाता है, क्योंकि ये सर्विकल कैंसर है या नहीं इसको चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है। तो यहां पर यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आप देख सकते हो निचले हिस्से पर, ऊपर तो ये किडनी दिखाई दे रहा है, ठीक है, और नीचे के हिस्से पर आप देख सकते हो यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम मैं यहाँ पर निकाल लेता हूं मेरे हाथ में। यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैं यहाँ से ऐसे दिखाऊंगा आपको, तो आप देख सकते हो कि यह है नॉर्मल स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। हाँ, तो यहां पर सर्विक्स, निचले हिस्से का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सर्विक्स, ठीक है। तो ये टोटल स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे प्रेजेंट होता है, ये स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर, तो ऐसा नॉर्मली प्रेजेंट रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो जो फीटस है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर, ये फीटस का लोकेशन है, आप देख सकते हो, ऐसा फीटस जो है अंदर सेट रहता है इसके अंदर, ओके। तो मैं फीटस को यहाँ पर निकाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है चीज का। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ ऐसा ये दिखने वाले स्ट्रक्चर अंदर की तरफ है, ठीक है। तो अब हमें क्या जानना है इसके बारे में कि ये जो है सर्विक्स किस चीज को कहा जाता है? नॉर्मली ये तो होता है यूरेटर, सॉरी, ये नॉर्मली जो स्ट्रक्चर आप देख लो ये है यूटरस। यूटरस के निचले हिस्से पर अगर देखें तो आपको सर्विक्स नजर आ जाएगा, यहां पर निचले हिस्से का, यहां तक अगर देखें तो सर्विक्स नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सर्विक्स जो एरिया है, इस सर्विक्स एरिया में क्या होता है, कभी कभी सर्विकल कैंसर बहुत कॉमन है महिलाओं में, ओके। और ये कैंसर मोस्ट ऑफ द टाइम एक वायरस के वजह से होता है, वायरस का नाम है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस अगर किसी इंसान को अटैक करता है, वुमन को अटैक करता है, महिलाओं को, तो नॉर्मली जो कैंसर है वो सर्विकल कैंसर करता है, मतलब सर्विक्स में ट्यूमर हो जाएगा सेल। कैंसर का मतलब क्या है पता है आपको? हमारे बॉडी किस चीज से तैयार है? कोशिका से। जैसे कि आप ईंट से एक घर बनाते हो, वैसे ही छोटे छोटे कोशिका से पूरा जो हमारे शरीर है वो बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है। तो शरीर के अंदर जो कोशिका होता है, यहाँ पर उस कोशिका को नॉर्मली कोशिका एक से दो बनता है, दो से चार, चार से आठ, ऐसा ऐसा डिवाइड होने लगता है, ठीक है। तो ये डिविजन जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो बहुत सारा कोशिका एक साथ एक जगह पर ट्यूमर तैयार कर सकता है। तो आप पूछोगे कि हर एक ट्यूमर क्या कैंसर है? आंसर इज नो। इनफैक्ट मैक्सिमम ट्यूमर ही कैंसरस नहीं होता है। नॉर्मली ट्यूमर किसी का हो सकता है, हाथ में किसी का, किसी की फेस में, किसी की बॉडी की कुछ अलग अलग जगह पे ट्यूमर्स हो सकते हैं। आप देख सकते हो कि अगर स्किन की अगर आपके ऐसा कुछ जगह पर टिश्यू का अंदर कोई ट्यूमर होता है तो लोग उतना बॉदर भी नहीं करते। अगर ब्रेन में होता है तो लोग बॉदर करते हैं, क्योंकि उसमें अगर ट्यूमर बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इसलिए रिमूव करना चाहिए। मगर यहाँ पर जो ट्यूमर होता है, उस ट्यूमर सिर्फ ट्यूमर ही नहीं है, वहां पे जो कोशिका है वो कंट्रोल के बाहर ग्रो कर रहा है। और जब भी ये कोशिका कंट्रोल के बाहर ग्रो करेगा तब ये कैंसर फैला करेगा, और जब कैंसर हो जाएगा तब ये कैंसर का जो कोशिका है वो इस जगह से
ब्लड से होते हुए बॉडी के दूसरे हिस्से में भी पहुंच सकता है। ये यहाँ से कहाँ पर पहुंच सकता है, लीवर में पहुंच सकता है, ये यहाँ से कहाँ पहुंच सकता है, किडनी में पहुंच सकता है, यहाँ से कहाँ पहुंच सकता है, बॉडी के और हिस्से हैं, कोलन है वहां पे पहुंच सकता है, तो ये सब जगह पर ये पहुंच सकता है, वहां पे भी ये कैंसर कॉज कर सकता है। कैंसर एक ऐसा बीमारी, क्यों इससे हम डरते हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम है हमारे खुद की बॉडी की कोशिका जो है वो हमसे ही रूठ जाता है, तो हम अगर उसको मारना चाहे तो हमारी शरीर की नॉर्मल कोशिका को भी मारना पड़ता है, इसीलिए प्रॉब्लम हो जाता है। ये कोई ऐसे इन्फेक्शन नहीं है कि जिसको हम बाहर से मेडिसिन देकर ट्रीट कर पाए। इसीलिए पैप स्मियर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जो पहले ही दफा में अगर आपकी सर्विक्स की अंदर की कोई भी कोशिका में कोई भी केमिकल डिफेक्ट हो, कोई भी चेंज हो, उसको देख पाता है, उसको समझ पाता है, और उस हिसाब से अगर आपका ऑलरेडी कैंसर प्रूव हो जाता है तो अर्ली स्टेज पे ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, तो ये फुल्ली क्यूरेबल है, आई बिलीव इट फुल्ली क्यूरेबल। ओके, और यहां पर ये कैंसर तभी नहीं होता है, तो फिर भी एक फ्यूचर में आपको कैंसर होने की चांस है या नहीं सर्विक्स में, उसके बारे में भी पता चल जाता है, क्योंकि ओवेरियन ट्यूमर बहुत कॉमन है इंडिया में, क्योंकि बहुत सारे महिलाएं ओवेरियन ट्यूमर उसके सिस्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझते हैं, तो यहां पर इसीलिए एक काइंड ऑफ रूटीन टेस्ट होना चाहिए पैप स्मियर, मगर इंडिया में हम ऐसा करते नहीं है। हम पैप स्मियर तब टेस्ट करते हैं जब कोई डॉक्टर हमें बताते हैं कि पैप स्मियर टेस्ट करना चाहिए, तब जब नॉर्मली पहले यूएसजी होता है, पहले पैप स्मियर नहीं होता, यूएसजी होता है, यूएसजी होने के बाद अगर पता चलता है कि हाँ कोई थोड़ा बहुत ग्रोथ यहाँ पर नजर आ रहा है, तब जाके आपकी एज के हिसाब से बोला जाएगा कि आपको पैप स्मियर करना चाहिए नहीं। नॉर्मली अगर आपका एज, आप एक महिला हो और अगर आपका एज 20 से लेकर 60 के बीच हो, 20 से लेकर 50 के बीच अगर हो, तो जाके पैप स्मियर आपको करने को कहा जाएगा। अगर 20 से नीचे हो तो नॉर्मली पैप स्मियर नहीं दिया जाता है, नॉर्मल यूएसजी करके ही पता चल जाता है, और अगर आपका एज 60-65 से ज्यादा हो तो भी नॉर्मली पैप स्मियर नहीं किया जाता है नॉर्मली, ठीक है। मगर अगर एक्टिव रिप्रोडक्टिव एज जो 20 से लेकर 40-45 ये जो टाइम है, एक्टिव रिप्रोडक्टिव एज चलता है, ये रिप्रोडक्टिव एज के टाइम पे अगर कोई भी ग्रोथ नजर आता है यूएसजी में, तो पैप स्मियर एब्सोल्यूट मैंडेटरी है, ये करना ही चाहिए, और सिर्फ एक बार नहीं, पैप स्मियर आपको दिया जाएगा हर साल करने के लिए अगर सस्पेक्टेड ज्यादा रहे तो, या फिर 3 साल में एक बार या फिर 5 साल में एक बार करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। तो ये तो पता चल चुका है कि पैप स्मियर क्यों किया जाता है, अब देखते हैं कैसे पैप स्मियर करते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं हम, ये आपका ऐसा जो स्ट्रक्चर है बॉडी का रहता है, तो नॉर्मली क्या होता है, एक एक स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्पैचुला होता है, उसके साथ साथ एक एक रबर बहुत ही सॉफ्ट एक ब्रश होता है, तो वो सब मेडिकल चीजें हैं, मेरे पास वो है नहीं यहाँ पर दिखाने के लिए, मगर मैं इस चीज से ही इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि ये स्मॉल एक ब्रश है, ऐसा ब्रश, तो स्मॉल ब्रश, सॉफ्ट ब्रश, जो धीरे धीरे क्या है, आप यहाँ से इंसर्ट किया जाएगा अंदर, ठीक है, अंदर कहाँ, टोटल आपके सर्विक्स तक, सर्विक्स तक ये इंसर्ट करने के बाद सर्विक्स में जाके हम इसको ऐसे, डॉक्टर जो धीरे धीरे इसको ऐसे ब्रश से थोड़ा थोड़ा ऐसे रब करते हैं, रब करने के साथ साथ इसको हम धीरे धीरे फिर बाहर निकल लेते हैं। तो क्या होता है कि ये जो आपका सर्विक्स है, आप देख सकते हो इसकी दीवार में, अगर हम काट के आपको दिखा, यहाँ पर ये जो सर्विक्स एरिया है, यहाँ का जो लाइनिंग है, स्ट्रक्चर है, इस लाइनिंग में से म्यूकस रहता है इस लाइनिंग के अंदर, और यहां से कुछ सेल्स भी रहता है जिसको हम स्क्वामश सेल बोलते हैं, स्क्वामश एपिथेलियल सेल। तो ये स्क्वामश सेल्स को हम उस ब्रश से धीरे धीरे ब्रश करके ले लेते हैं। तो आप ये सोचते होंगे कि कुछ चीज को हम यहाँ पर रब कर रहे हैं, मतलब वहां पर जलन होगा, ब्लीडिंग होगा, कुछ नहीं होता है। यही सबसे अच्छी बात है पैप स्मियर का, ये टेस्ट में आपको पेन नहीं होगा, बिल्कुल पेन नहीं होता है, आपको सिर्फ थोड़ा सा ऐसा कुछ अनइजी सा, और ऐसा जिसको हम क्या कहते हैं, टिंगलिंग सा महसूस होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं महसूस होगा, ठीक है। तो उससे वो जो है स्क्वामस हम ले लेते हैं, स्क्वामस से लेने के बाद क्या किया जाता है, उस सेल को ग्लास स्लाइड के अंदर रखा जाता है। एक तो ड्राई, दो टाइप का पैप स्मियर होता है, एक ड्राई पैप स्मियर टेस्ट और एक होता है लिक्विड पैप स्मियर टेस्ट। ड्राई पैप स्मियर टेस्ट के लिए उस स्मियर को लेने के बाद हम स्लाइड के अंदर उसको ऐसे बुला लेते हैं, उसके बाद स्टेन करते हैं, मतलब एक कलर, उसको हम स्टेन बोलते हैं, वो डालने के बाद माइक्रोस्कोप के अंदर ड्राई करके माइक्रोस्कोप अंदर दिखा जाता है। अब माइक्रोस्कोप अंदर वो सेल्स देखकर कैसे हम बता सकते हैं कि ये कैंसर है या नहीं। बात ये है कि नॉर्मली जैसे मैं बोला, मेरी बॉडी की हर एक सेल का एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर होता है जो बताता है कि ये सेल नॉर्मल है, मतलब ठीक ठाक है।
अब जब कैंसर हो जाता है तब सेल का स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव आता है, उसमें कुछ ऐसा ऐसा जब कलर करते हैं तो उसके बाद कलर करने के साथ साथ उस सेल में स्ट्रक्चरल कुछ डिफरेंसेस होता है जो हम माइक्रोस्कोप में बहुत आसानी से देखकर बता सकते हैं कि ये नॉर्मल सेल है या फिर इस सेल में कुछ बदलाव आया है। अगर सेल में कुछ बदलाव आया है तो जाके हमें देखना पड़ता है कि हाँ ये हो सकता है कि ये ट्यूमर फॉर्म कर रहा हो, और अगर ट्यूमर ऑलरेडी है तब जाके हमें देखना पड़ता है कि ट्यूमर कैंसरस है या नहीं। तो हम क्या करते हैं उस सेल्स को लेने के बाद वहां को उसको हम बायोप्सी के लिए भी भेज सकते हैं बाद में, पहले हम पैप स्मियर करके देख लेंगे। पैप स्मियर करने के देखने के बाद आइदर ये ड्राई होगा या फिर कुछ वक्त क्या होता है कि वो जो सेल्स लेकर एक लिक्विड मीडिया होता है उसके अंदर उसको डुबो दिया जाता है, उसको फिर से लैब में टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है। उसके रिपोर्ट आने में 2-3 दिन लगता है, मगर ड्राई अगर पैप स्मियर हो तो इसी वक्त चेक कर सकते हैं, चेक करके आपको बता सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम मौजूद है और कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर पाया गया है तो तब जाके कुछ और टेस्ट करने के लिए आपको दिया जाता है, क्योंकि देखिए ये एक कैंसर डिजीज को प्रूव करने का टेस्ट है, मगर ये स्टैंड अलोन टेस्ट नहीं है। मतलब सिर्फ पैप स्मियर टेस्ट करने के साथ साथ मैं आपको नहीं बोल सकता कि आपके पास आपको सर्विकल कैंसर है या नहीं, उसके साथ साथ ज्यादातर कंडीशन पे HPV टेस्ट भी किया जाता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्ट भी किया जाता है आपके अंदर वो वायरस है या नहीं। अगर आप HPV से इन्फेक्टेड हो, आपके यूटेरस के अंदर ट्यूमर है और पैप स्मियर में भी सेल्स में कुछ प्रॉब्लम नजर आ रहा है, इसका मतलब है हाँ एक हाई चांस है कि आपको सर्विकल कैंसर है या फिर फ्यूचर में हो सकता है। ठीक है, अगर ये सब चीजें ना हो, अगर आप HPV से इन्फेक्टेड नहीं हुए हो, देयर इज नो ट्यूमर, सिर्फ देखा गया है सेल्स में कुछ कुछ बदलाव, तो नॉर्मली आपको प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा कि एक साल में एक बार आके पैप स्मियर करके जाओ, ताकि आप एक साल के बाद, फिर 3-3 साल के बाद में 5-5 साल के बाद, आपको 45-50 साल तक, 5 साल के बाद हर एक बार ये पैप स्मियर टेस्ट कर लेना चाहिए अगर सब कुछ ठीक है तो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अभी पैप स्मियर के साथ साथ अगर ये देखा गया कि हाँ यहाँ पर पैप स्मियर में सेल्स में कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है, तब और एक टेस्ट दिया जाता है, ब्लड टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं CA125। वो एक मार्कर टेस्ट होता है। क्या मार्कर टेस्ट है उसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे, इस वीडियो में नहीं, मगर ये सिर्फ एक टेस्ट, ये मैं इसीलिए बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मानो कि आपका पैप स्मियर टेस्ट हो गया है, रिपोर्ट पॉजिटिव आया, मतलब रिपोर्ट में ऐसा कुछ आया, कुछ प्रॉब्लम है, और आपका डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आपको रेफर कर दिया, तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि दैट मीन्स मेरे तो कैंसर हो गया, मैं तो लाइफ बर्बाद हो गया। नहीं, ऐसा बात नहीं है, सिर्फ पैप स्मियर से कंफर्म नहीं होता है। ठीक है, एक ऑन्कोलॉजिस्ट और भी कुछ टेस्ट आपको देंगे, उसके बाद ही कंफर्म होगा ये कैंसर है या नहीं। या फिर इसके साथ साथ और एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रोमा टेस्ट, ROMA। तो रोमा टेस्ट, CA125, पैप स्मियर, सबको एक साथ लेने के बाद ही पता चल सकता है कि आपको कोई भी तरह का सर्विकल कैंसर या फिर आप यूटेरियन ट्यूमर, यूटेरस कैंसर है या नहीं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये तो हो गया इस टेस्ट के बारे में, कैसे ये करते हैं इसके बारे में। अभी बात करते हैं कि इस टेस्ट को करने के लिए आपको क्या प्रिपरेशन लेना चाहिए। तो आंसर सिंपल है, आपको ज्यादातर कोई प्रिपरेशन ऐसा नहीं लेना है। यहाँ पर सिंपली आपको जो है टेस्ट से पहले आपको ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए कहा जाएगा, शायद एम्प्टी कर लेना है आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको जो और चीज यहाँ पर देखना है कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में ध्यान में रखना है। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ये टेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे टाइम पे जाओ जब आपका मेंस्ट्रुएशन नहीं चल रहा हो। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है, और कुछ नहीं है। और द क्वेश्चन, इस टेस्ट में पेन होता है या नहीं। आंसर, पेन रेटिंग इस टेस्ट में बहुत ही कम है, मैं 2 out of 10 दूंगा, बहुत ही ऐसा कुछ पेन नहीं होता है। जैसा एक टिंगलिंग सा एक होता है, वैसे ही एक स्मॉल सिंपल सा फीलिंग जब वो अंदर रब होता है तब होता है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट ब्रश से ये किया जाता है। ठीक है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अभी लास्ट बात यह है कि अगर ये टेस्ट दिया जाएगा तो कोई घबराने की बात है या नहीं। आंसर ये है कि सिंपल सिंगल इस टेस्ट से कुछ पता नहीं चलेगा। इस टेस्ट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और ताकि ये लेस इन्वेसिव है, मतलब उतना आपको कोई डैमेज नहीं पहुंचाता है। आप वही दिन जाके क्लिनिक पे जाओगे, आपको बोलेंगे कि आप कपड़े उतारो, सो जाओ, लेट जाओ, उसके बाद ये टेस्ट हो जाएगा। बस तभी के तभी कहीं जगह पर रिपोर्ट दिया जाता है, और किसी किसी जगह पर एक दिन के बाद रिपोर्ट मिल जाता है, और अगर लिक्विड टेस्ट होता है तो 2-3 दिन के बाद रिपोर्ट मिल जाता है। तो बहुत आसानी से टेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस सिंपल इस एक टेस्ट से आप ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि आपको कैंसर हुआ या नहीं। आपको मार्कर टेस्ट करना है, ब्लड टेस्ट, CA125, और भी कुछ मार्कर्स हैं, उसके साथ साथ रोमा टेस्ट भी दिया जाएगा आपका एज के हिसाब से, उसके बाद ही कहा जाएगा कि या आपके कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। नॉर्मली अगर आपकी एज अर्ली है, 20 से लेकर 30-35 है, तो जाके
अगर कुछ ऐसा पॉजिटिव मिले स्ट्रेस से तो जाके घबराने की बात थोड़ा सा है, मगर आफ्टर मेनोपॉज एज जो होता है महिलाओं के लिए, उसके बाद जाके ये टेस्ट का रिपोर्ट उतना सिग्निफिकेंट नहीं लगता है। तो इसके लिए इवन आफ्टर 60-65 ईयर्स ऑफ एज महिलाओं को ये टेस्ट नहीं दिया जाता है, बोला जाता है नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल ट्यूमर हो सकता है। अगर ट्यूमर होता है तो पूरा जो यहाँ पर यूट्रस है उसको ही काट के निकाल के फेंक दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मगर अगर आप एक्टिव रिप्रोडक्टिव टाइम पे बिलोंग करते हो तो ऑब्वियसली ये टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात, इस टेस्ट को करने के पहले दिन पहले रात आप इंटरकोर्स नहीं करेंगे, 24 आवर्स इंटरकोर्स नहीं करना है और आपको पीरियड के टाइम पे टेस्ट नहीं करना है। यही चीज आपको देख लेना है बस, और कुछ बात नहीं है। तो ये होता है टोटल आइडिया अबाउट पैप स्मियर टेस्ट, ठीक है। तो अगर इस वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्त फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन लोगों को पता चल सके कि पैप स्मियर टेस्ट क्या है, क्यों दिया गया है, क्यों किया जाता है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, ताकि ऐसे वीडियो आपके आपको पहुंच सके आप तक, ठीक है। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगले एक वीडियो में।